बुरे मनुष्यों को अपने सिरों को घेरने के लिए इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए कि भले मनुष्य देखते रहें और कुछ न करें। एक व्यक्ति न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपनी निष्क्रियता से दूसरों की बुराई कर सकता है और किसी भी मामले में वह चोट के लिए उनके लिए उचित रूप से जवाबदेह है। मैंने उन्हें संतुष्ट करने के प्रयास के बजाय अपनी इच्छाओं को सीमित करके अपनी खुशी तलाशना सीख लिया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पुरुषों की इच्छाएं प्रबल होती हैं कि वे बुरे कार्य करते हैं, यह इसलिए है क्योंकि उनका विवेक कमजोर है। यहाँ तक कि निरंकुशता भी अपना सबसे बुरा प्रभाव तब तक उत्पन्न नहीं करती जब तक कि उसके अधीन वैयक्तिकता विद्यमान है, और जो कुछ भी व्यक्तित्व को कुचलता है वह निरंकुशता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए और चाहे वह ईश्वर की इच्छा को लागू करने का दावा करता हो या पुरुषों के आदेशों का। एकमात्र स्वतंत्रता जो इस नाम के योग्य है वह है अपने तरीके से अपनी भलाई का पीछा करना, जब तक कि हम दूसरों को उनकी भलाई से वंचित करने का प्रयास नहीं करते हैं या इसे प्राप्त करने के उनके प्रयासों को बाधित नहीं करते हैं। हर आदमी जो खुलकर और पूरी तरह से कहता है कि वह क्या सोचता है, अब तक एक सार्वजनिक सेवा कर रहा है। हमें उनके प्रति आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमारे सबसे प्रिय मतों पर बेरहमी से हमला किया। प्रतिभाशाली व्यक्ति, यह सच है और हमेशा एक छोटे से अल्पसंख्यक होने की संभावना है, लेकिन उन्हें पाने के लिए जिस मिट्टी में वे उगते हैं उसे संरक्षित करना आवश्यक है। कोई भी महान विचारक नहीं हो सकता है जो यह नहीं मानता है कि एक विचारक के रूप में यह उसका पहला कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि का पालन करे, चाहे वह किसी भी निष्कर्ष पर ले जाए। धारणा, निर्णय, विवेकपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय संकायों का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाने में किया जाता है। वह जो कुछ करता है क्योंकि यह प्रथा है, वह कोई विकल्प नहीं बनाता है। व्यवस्था या स्थिरता की पार्टी और प्रगति या सुधार की पार्टी दोनों एक स्वस्थ राजनीतिक जीवन के आवश्यक तत्व हैं। जब तक एक राय भावनाओं में दृढ़ता से निहित होती है, तब तक इसके खिलाफ तर्क का प्रबल वजन होने से स्थिरता में कमी आती है। सत्य उस व्यक्ति की त्रुटियों से भी अधिक प्राप्त करता है जो उचित अध्ययन और तैयारी के साथ अपने लिए सोचता है, उन लोगों की सच्ची राय से जो केवल उन्हें धारण करते हैं क्योंकि वे खुद को सोचने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। क्षेत्र में कोई दुश्मन नहीं होने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों अपने पद पर सो जाते हैं। इतना सच है कि अप्राकृतिक का मतलब आम तौर पर केवल गैर प्रथागत होता है और जो कुछ भी सामान्य है वह प्राकृतिक प्रतीत होता है। एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट इंसान होना बेहतर है, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। भोजन और वस्त्र की प्राथमिक आवश्यकताओं के बाद स्वतंत्रता मानव स्वभाव की पहली और सबसे मजबूत इच्छा है। यह विचार कि सत्य हमेशा उत्पीड़न पर विजय प्राप्त करता है उन सुखद झूठों में से एक है जिसका अधिकांश अनुभव खंडन करता है। इतिहास उत्पीड़न के कारण सत्य के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यदि इसे हमेशा के लिए नीचे नहीं रखा गया तो यह सदियों के लिए पीछे हट सकता है। वह जो दुनिया को या उसके अपने हिस्से को अपने लिए जीवन की योजना चुनने देता है
उसे बंदर जैसे अनुकरण के अलावा किसी अन्य संकाय की आवश्यकता नहीं है। वह जो अपनी योजना अपने लिए चुनता है, वह अपनी सभी क्षमताओं का प्रयोग करता है। परंतु ये थोड़े से पृथ्वी के नमक हैं, उनके बिना मानव जीवन एक स्थिर तालाब बन जाएगा। वे न केवल उन अच्छी वस्तुओं का परिचय देते हैं जो पहले अस्तित्व में नहीं थीं, वे ही हैं जो उनमें जीवन को बनाए रखती हैं जो पहले से ही अस्तित्व में थीं। निरंकुशता बर्बर लोगों से निपटने में सरकार का एक वैध तरीका है, बशर्ते अंत में उनका सुधार हो। अगर किसी राय को चुप कराने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह राय जो कुछ भी हम निश्चित रूप से जान सकते हैं, वह सच हो सकती है। इससे इनकार करना अपनी खुद की अचूकता को मान लेना है। सत्ता का प्रेम और स्वतंत्रता का प्रेम शाश्वत विरोध में है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय आ गया है जब यह सभी का कर्तव्य है कि वे धर्म से अपनी असहमति प्रकट करें। एक समाज में संकीपन की मात्रा आम तौर पर उसमें निहित प्रतिभा, मानसिक शक्ति और नैतिक साहस की मात्रा के अनुपात में होती है। इतने कम लोग अब सनकी होने का साहस करते हैं जो उस समय के मुख्य खतरे को चिन्हित करता है। रीति रिवाज की निरंकुशता हर जगह मानव उन्नति के लिए स्थायी बाधा है, प्रथागत से बेहतर कुछ करने के लिए उस स्वभाव के प्रति शत्रुता में रहना जिसे परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्रता की भावना या प्रगति या सुधार की भावना कहा जाता है। मानव जाति में कोई बड़ा सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक कि उनके विचार के तरीकों के मौलिक संविधान में एक महान परिवर्तन नहीं होता है। यह किसी भी इंसान को नहीं दिया गया है कि वह सच्चाई के एक सेट को स्टीरियोटाइप करे और अपने दिमाग की आंख बंद करके उनके मार्गदर्शन से सुरक्षित रूप से चले। लोगों के लिए एक राय को सुनने से इनकार करने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यह गलत है, यह मान लेना है कि उनकी निश्चितता पूर्ण निश्चितता के समान है। सभी चर्चाओं को शांत करना अचूकता की धारणा है। एक व्यक्ति या कई व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसे खोजने का कोई साधन नहीं है, लेकिन कोशिश करके और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कोई और उनके लिए यह खोज सके कि उनकी खुशी के लिए क्या करना है या क्या करना है। विश्वास वाला एक व्यक्ति 1,00,000 के बल के बराबर है जिनके पास केवल हित हैं। मानव प्रकृति एक मॉडल के बाद बनाई जाने वाली मशीन नहीं है और इसके लिए निर्धारित कार्य को ठीक से करने के लिए तैयार है, बल्कि एक पेड़ है जिसे आंतरिक ताकतों की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ने और खुद को विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह एक जीवित चीज है। विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत आचरण के साथ जनता के हस्तक्षेप के खिलाफ सभी तर्कों में सबसे मजबूत तर्क यह है कि जब यह हस्तक्षेप करता है तो संभावना यह है कि यह गलत तरीके से और गलत जगह पर हस्तक्षेप करता है। जब तक न्याय और अन्याय ने मानव जाति के मामलों में वर्चस्व के लिए अपनी नई नई लड़ाई को समाप्त नहीं किया है, तब तक मनुष्य को तैयार रहना चाहिए जब जरूरत हो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। जिसे अब महिलाओं की प्रकृति कहा जाता है, वह एक प्रमुख कृत्रिम चीज है। कुछ दिशाओं में जबरन दमन का परिणाम, दूसरों में अप्राकृतिक उत्तेजना। विश्वास वाला एक व्यक्ति उन 99 लोगों के बराबर है जिनके पास केवल हित हैं। इतिहास में
जैसा कि यात्रा में होता है, पुरुष आमतौर पर केवल वही देखते हैं जो उनके मन में पहले से था, और कुछ लोग इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं जो इसके अध्ययन में अपने साथ बहुत कुछ नहीं लाते। एक दूसरे को जीने के लिए मजबूर करने की तुलना में एक दूसरे को जीने के लिए पीड़ित होने से मानव जाति अधिक लाभान्वित होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता इस प्रकार सीमित होनी चाहिए, उसे खुद को अन्य लोगों के लिए बाधा नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास प्रस्तुत करने की नैतिकता और शिष्टता और उदारता की नैतिकता है, अब न्याय की नैतिकता का समय आ गया है। कोई भी गुलाम एक ही लंबाई का गुलाम नहीं है, और एक पत्नी के रूप में शब्द का पूरा अर्थ है। उन पर घटना और शक्ति की दूरदर्शिता उनके अनुक्रमों के ज्ञान पर निर्भर करती है, न कि किसी भी धारणा पर जो हमने उनके मूल या अंतरतम प्रकृति के संबंध में बनाई हो। भाषा मन का प्रकाश है। यह मानना तर्क और अनुभव के विपरीत है कि क्रूरता पर कोई वास्तविक रोक हो सकती है, पीड़ित को अभी भी जल्लाद की शक्ति में छोड़ने के अनुरूप। मानसिक दास्ता के सामान्य वातावरण में महान व्यक्तिगत विचारक थे और फिर से हो सकते हैं। हर मामले में बोझ उन पर भारी पड़ता है जो लगभग सार्वभौमिक राय पर हमला करते हैं। किसी भी विषय में सामान्य या प्रचलित राय शायद ही कभी या कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होती है। यह केवल प्रतिकूल मतों के टकराव से है कि शेष सत्य की आपूर्ति होने का कोई मौका है। खुश वही है जिनका मन अपनी खुशी के अलावा किसी और चीज में लगा है। इतने कम सन की होना हमारे समय का मुख्य खतरा है। समानों के बीच समाज केवल इस समझ पर मौजूद हो सकता है कि सभी के हितों को समान माना जाए। हर कोई जो समाज से सुरक्षा प्राप्त करता है, लाभ के लिए वापसी करता है।